वृंदावन बिहारी लाल की आप आ गया जो मैं पीछे आ गया नहीं नहीं कोई नहीं बैठ जाओ तू थोड़ा सा गुर्दे वाली करा बोलेगी ना तो फिर पड़ेगी अनुपम माधुरी जोड़ी होली आ रही जल्दी करो निकाल दो होली गा सकते हो हरी बोल कोई बात नहीं हरे कृष्णा बोलो होली के रसिया की लाला तोरे चखाऊ रस होरी को लाला तोरे लाला तोरे चखाऊ रस Oh, my God.
ओम ज्ञान से विराम दस्य ज्ञानेन चला गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात ऋषिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंड ज्ञापन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों को और वैष्णवों के चरणों को कोटि कोटि दंड प्रणाम। अभी होली का सुंदर कीर्तन हम सब ने श्रवण किया। होली का उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि राधा और कृष्ण का मिलन कराने के लिए सखियां हमेशा चेष्टारत रहती हैं और ग्वाल गोपाल ग्वाल सखा राधा कृष्ण के मिलन के लिए भी उत्कंठा बनाए रखते हैं कि किसी भी तरीके से राधा और कृष्ण का मिलन कराया जाए, क्योंकि ब्रज के अंदर यहाँ राधा रानी का विवाह हो गया है अभिमन्यु से और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम श्री राधा रानी से पूर्णता विशुद्ध प्रेम है जिसको गोपियों के प्रेम को काम कहा गया है। इसीलिए ब्रज के अंदर एक वन का नाम है काम्य वन। शुद्ध प्रेम को काम कहा गया है और काम काम्य वन में काम्य कुंड भी है, वहां यदि हम स्नान करें और किसी भी संसारिक कामना की तो बात छोड़ दीजिए, यदि हम राधा रानी के अनुगत्य में रह करके सखी भाव से या मंजरी भाव से भजन करना चाहें उस कामना के साथ भी यदि हम वहां पर स्नान करते हैं उस कुंड में, तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण बड़ी कृपा करते हुए हमको वह भी प्रदान कर देती है। सांसारिक कामनाएं तो बहुत तुच्छ है, वो तो मिल ही जाएंगी। इसके अलावा जो उत्कृष्ट भजन शैली है जो महाप्रभु देने के लिए यहाँ पर आए थे वो भी हमें मिल जाती है। तो राधा रानी का हमेशा नंदगांव में आना जाना माता यशोदा की कृपा से बना रहा। हमेशा वो उनको बुलाती थी यावट से कि यहाँ पर आए और भगवान श्री कृष्ण चंद्र के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाए। इसलिए वो क्या करती थी, सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र इत्यादि जो है हमेशा यावट भेजती रहती थी, जिससे कि जटिला जो राधा रानी की सास हैं वो उनको रोके ना यहाँ आने से, हमेशा हर्षित रहें और यहाँ पर भेजती रहें। तो एक बार अभिमन्यु आए थे जो माता यशोदा नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने के लिए, तो ये देख करके माता यशोदा ने एक सुंदर बक्सा तैयार करना प्रारंभ किया। उसमें आभूषण वस्त्र अलंकार और बड़े बड़े गहने उसमें रखना प्रारंभ कर दिए। भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और कहा, माँ ये क्या करती हो, आज क्या मेरा जन्मदिन है जो सुंदर सुंदर वस्त्र जो है आप इधर से उधर कर रहे हैं। बोला, नहीं नहीं तू जा यहाँ से, बाहर जाके खेल सखाओं के साथ। तो मैया अपना कार्य पूरा कर रही है, सुंदर सुंदर साड़ियां सुंदर सुंदर लहंगे और वस्त्र इत्यादि उसमें बक्से के अंदर रख रही है। थोड़ी देर भगवान श्री कृष्ण जो है बाहर जाकर के देख रहे हैं कि बहुत अच्छा अच्छा उसके अंदर आभूषण वस्त्र इत्यादि रख दिया मैया ने, और मैया अपने काम के लिए दूसरे काम के लिए चली गई है। तो सुबल सखा को लेकर के आए हैं और कहा, सुबल इन सभी वस्त्रों को निकालो। सारे वस्त्र निकाले और कहा, इसमें मैं बैठ जाता हूँ, अब बंद कर दो और ये सारे वस्त्र जो छुपा देना, अलंकार इत्यादि सब हटा देना और वापस इसमें ताला लगा दो। तो सुबल ने ऐसा ही किया, सारे वस्त्र निकाल करके छुपा दिए अलग जगह और बक्से के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी को बंद कर दिया। अब वो बंद कर दिया और ताला लगा करके वो भी जाके बाहर खेलने चले गए, क्योंकि कृष्णचंद्र का जो है आदेश हुआ था। क्यों? क्योंकि बक्सा कहाँ जाना था, ये जाना था यावट श्रीमती राधा रानी के यहाँ। तो
तो अभिमन्यु जब जाने लगे तो उनको माता यशोदा ने कहा, ठहरो अभिमन्यु, ये जो है बक्सा, ये पुरस्कार, ये मैं अपनी जो है राधा रानी को देना चाहती हूँ, उस लाली को देना चाहती हूँ, तुम उसको प्रदान करना। तो वो बक्सा उठा करके अभिमन्यु ने अपने सिर पर रखा और ले जाने लगे और मन में सोचने लगे, आज तो मैया ने बहुत सारा जो है इसमें पुरस्कार रखा है और ये तो बहुत वजन है, और उसमें कौन थे, भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनको उठा करके चल रहे हैं। तो आनंद कंद का उनका स्मरण बन रहा है, भगवान श्री कृष्णचंद्र का जो है स्मरण अपने आप आ रहा है, क्योंकि साक्षात श्री कृष्णचंद्र सिर पर बैठे हैं, तो उनके स्पर्श से वो सारे के सारे भक्ति के अष्ट विकार उनके शरीर में पुलकित, रोमावली और जितने भी ये हैं सारे के सारे जो है प्रकाशित हो रहे हैं। और थोड़ी देर चल करके उनको वो जो भार लग रहा था वो भार नजर नहीं आ रहा, कारण क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भारी से भारी हैं और हल्के से हल्के हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। तो आनंद करते हुए, भगवान का नाम करते हुए वहां से चले हैं, स्मरण करते हुए चले हैं, और जाने कब अपने घर पहुंच गए। वहां जाकर के जटिला जो उनकी मैया है अभिमन्यु की, उनके पास जाकर के कहा कि मैया, ये मैया यशोदा ने ये सारी चीजें जो हैं राधा रानी के लिए भेजी हैं। तो माता कह रही है जटिला, तो जब उसके लिए भेजी है तो उसी के कक्ष में जाकर ले जाओ, उसको प्रदान कर दो। तो इन्होंने जो है वही किया, राधा रानी के पास जाकर के वो बक्सा रखा और कहा, हे राधे, ये तुम्हारे लिए मैया ने भेजा है। अब ये जो है कह करके अभिमन्यु भी अपने काम के लिए चले गए बाहर। अब यहाँ पर सखियां आई, सखियों से कहा, इस बक्से को खोलो, इसमें बहुत सारी जो है आभूषण, वस्त्र इत्यादि भेजी हैं माता ने, यशोदा मैया ने। तो उन्होंने खोला उसको, तो उसमें से भगवान श्री कृष्ण चंद्र मिले, जो समस्त अलंकारों के भी अलंकार, आभूषणों के भी महाआभूषण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब प्रकट हुए तो आपस में उनका मिलन हुआ। सखियां बहुत जोर जोर से तालियां बजा के हरि बोल करके उनका मिलन करा दिया। तो ये मिलन जो है, सखियां जब आपस में ये मिलते हैं तो बहुत हर्षित होती है, इनको वही आनंद मिलता है जो राधा और कृष्ण को मिलन में आनंद हो रहा है, वो सखियों को मिलता है, उससे भी ज्यादा मंजरियों को मिलता है। ऐसे ही एक बार राधा रानी मान कर बैठी, मान मतलब होता है थोड़ा सा रूठ जाना, रूठ जाती है, तो भगवान श्री कृष्णचंद से मिली नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं मिली। अब भगवान श्री कृष्ण बड़े उत्कंठित, व्याकुल कि किस प्रकार से राधा रानी से मिला जाए। तो सुबल ने देखा कि कृष्ण जो है विवल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला, चिंता मत करो कृष्ण, मैं कुछ करता हूं। सुबल गए और जाकर के जावट में राधा रानी की हवेली पर जाकर के देखने लगे कि किस प्रकार से अंदर प्रवेश किया जाए, सोचने लगे। तभी जटिला जो कंडे जो बना रही थी, उसने देखा कि ये तो सुबल है, अरे ये तो नटखट का सखा है, अरे तू इधर क्या कर रहा है, तो मेरा बछड़ा जो है घूमता घूमता कहीं तुम्हारी खड़क में तो नहीं, खेर में तो नहीं आ गया, आपके घेर में मेरा बछड़ा चला गया। बोलता, नहीं नहीं, इधर तेरा कोई बछड़ा वछड़ा नहीं आया। तो नहीं आया, परंतु मुझे तो ऐसा लगता जरूर गया अंदर, क्योंकि और कहीं भी नहीं है, सारे वनों में देख लिया। अच्छा, तो एक काम कर, जाकर देख ले तेरा कौन सा बछड़ा है, उसको जाकर ले आ। तो ये गए अंदर और मैया संतुष्ट हो गई, चलो बछड़ा देखने गया, कोई ऐसी बात नहीं, कृष्ण इसके साथ नहीं है। जटिला हमेशा जो व्यवधान डालती थी कि राधा कृष्ण का मिलन ना हो सके, और ये सखा और सखियां इनका मिलन कराने के लिए हमेशा चेष्टारत रहते थे। तो ये बछड़े के बहाने राधा रानी के कक्ष में पहुंचे और कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जो है विवलता की अवस्था हो चुकी है, वो बार बार अचेत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, आपका दर्शन नहीं पाया, आपसे मिलन नहीं हो पा रहा है, तो उनकी स्थिति बहुत विकट है। ये सुनकर के राधा रानी का जो मान जाता रहा, जो रूठी हुई थी, अब वो रूठना उनका बंद हो गया, उल्टा उनका हृदय बहुत ज्यादा द्रवीभूत होने लगा, और सोचा कि किस प्रकार से जाऊं, सामने तो सास है, वो तो जाने देगी नहीं। तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुम मेरा वेश धारण कर लो और अपना वेश मुझे दे दो। अपने जो उन्होंने पहने हुए थे, नीलांबर पहना था सुबल ने, उनको धोती प्रदान कर दी, और राधा रानी के जो वस्त्र अन्य थे उन्होंने उनको दे दिए। राधा रानी ने वस्त्र पहनकर वो बैठ गए सुबल जी, राधा रानी बन करके, और राधा रानी सुबल बन के पगड़ी बांध करके, अच्छे से धोती बांध करके और फेंटा लगा करके चल पड़े। अब उन्होंने कहा, एक छोटा सा बछड़ा ले जाना, क्योंकि मैंने मैया को बोला, जटिला मैया को बोला है कि मैं बछड़ा ढूंढने आया हूं, तुम जो है अब सुबल हो, सुबल बछड़ा लेके नहीं जाएगा तो शक हो जाएगा।
तो एक छोटा सा बछड़ा उन्होंने गोद में ले लिया राधा रानी ने और यहां पर लगा लिया जिससे कि पता ना चले कि स्त्री है पुरुष और ले जाने लगे। तो जटिला ने देखा अरे तेरा मिल गया बछड़ा, तो उन्होंने गले की आवाज बदली, सुबल की आवाज में बोले हाँ मैया मिल गया, देखो ये रहा बछड़ा, ये पता नहीं कैसे फुदकता फुदकता यहाँ आ गया था। उसको लेकर के वो वहां से चली है और जहां जहां सुबल ने बताया था कौन से वन में वहां पहुंची है, वहां पहुंच के कृष्ण का दर्शन किया, दर्शन करके कहा सुबल तुम अकेले आए, राधा रानी नहीं आई, वो भी नहीं पहचान पाए। देखो राधा रानी सुबल का वेश धारण करके वहां प्रस्तुत है और कृष्ण विवलता की अवस्था में है, पहचान नहीं पा रहे। एक बार तो उन्होंने बोला नहीं मिला, लेकिन उनका जब दर्शन किया कृष्ण का, आंखों से अश्रु पूरित है राधा रानी के विरह में, तो उनसे ज्यादा जो है रूप छिपाया नहीं गया और उनका आलिंगन कर लिया। आलिंगन होते के साथ ही उनके अंग स्पर्श से पता चल गया ये सुबल नहीं, ये तो राधा रानी है। इस तरीके की सुंदर सुंदर जो लीला है ब्रज की, इसमें काम की कोई गंध नहीं है, शुद्ध प्रेम है। इस प्रेम को इस तरीके समझना चाहिए जैसे कोई बालक निश्चल अवस्था में होता, उसके हृदय में कोई काम नहीं होता, ऐसी ही ब्रज की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। इसीलिए ये छोटे छोटे लाला लाली की लीला समझ करके हमें इसको प्रेम रूप में धारण करेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। धन्यवाद। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु जयचे पति तनाम पावने के वैष्णव देव नमः। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि नमन प्रणाम। यहाँ उपस्थित पूज्यपाद नवीन प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम। उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है थोड़ी सी हरिकथा सुनाने के लिए कि हमें क्यों भगवान का नाम करना चाहिए, वैष्णव सेवा से क्या होगा, भगवान के नाम से क्या होगा, इन सब विषय पे थोड़ा सा बताने के लिए। एक समय एक साधु थे, वो भिक्षा करने गांव में जाया करते थे, वैष्णव थे, भगवान की खूब भक्ति करते थे और भिक्षा करने गांव में जाया करते थे। वहां एक बूढ़ी माता रहती थी, वो बड़ी कंजूस थी, बहुत कंजूस, किसी को कुछ भी नहीं देती थी। एक समय क्या हुआ, जब वो साधु गए वहां भिक्षा मांगने के लिए तो वो बोलते बोला मैया थोड़ी भिक्षा दे दो। सारे घर में से कुछ कुछ भिक्षा मिलती थी लेकिन वो बुढ़िया कभी भी कुछ नहीं देती थी। ध्यान से सुनो माता जी, कहीं बुढ़िया हमें तो नहीं, वो बुढ़िया कभी कुछ नहीं देती थी। फिर क्या हुआ, क्या बैठ के ठीक है, मैं थोड़ा खड़ा हो सुनाना चाहिए। नहीं 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 ठीक, आवाज नहीं आ रही क्या? जब वो साधु जाते तो बढ़िया जवान साधु थे, जब जाते तो बढ़िया बोलती कुछ काम धाम नहीं कर सकते, आ जाते हो भागने, जाओ कुछ नहीं है, भगा दिया। साधु बोलते सब कुछ ना कुछ देते लेकिन ये बुढ़िया कभी कुछ नहीं देती, इसका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि जब साधु किसी के घर जाते हैं बोला महत विचलनाम निर्णाम गृणाम दीन चेत साम निश्रेसाय भगवान अन्यथा ना कल्पितो क्वचित। जब साधु किसी के घर जाते हैं तो केवल और केवल उनके कल्याण के लिए जाते हैं। ये कौन कह रहे हैं? नंद बाबा गर्गाचार्य जी को।
तो साधु के घर जाते थे, लेकिन बुढ़िया क्या थी, कंजूस एक नंबर की, कभी कुछ नहीं देती थी, बल्कि उल्टा डांट करके भगा देती थी कि कमा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साधु भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे, वो भी रोज रोज चले आते, रोज रोज चले जाते। क्यों चले जाते? क्योंकि साधु का स्वभाव क्या होता है, सब पर दया करना। एक समय क्या हुआ, एक साधु थे, वो समुद्र किनारे बैठे हुए थे, वहां उन्होंने देखा कि जो एक केकड़ा है ना, वो पानी में जाता है और उल्टा गिर जाता है, जैसे मर जाएगा। तो क्या करते साधु, उठा करके उसको समुद्र से निकालते और निकाल करके जमीन पर रखते, तो केकड़ा काट लेता है, क्या करता, काट लेता है, वो उसको छोड़ देते, फिर छोड़ते, फिर वो वापस पानी में जाके फिर उल्टा जैसे लगता मर जाएगा, डूब जाएगा। साधु जाकर उसको फिर बचाते, बाहर लाते, वो फिर क्या करता, काट लेता। बार 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 ऐसा कई बार हो गया, 10 बार 15 बार। वहां एक लड़का बैठा हुआ था, वो आकर के बोला, बोला बाबा आपको दिख नहीं रहा है ये केकड़ा काट रहा है, क्यों बार बार उठा रहे हो, मरने दो ना इसको, मरने दो, आपको क्या लेना देना। वो बोले जब ये केकड़ा अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है मारने का, तो मैं इसको बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ दूं। इसलिए साधु का स्वभाव क्या है, सब पर दया करना, सब पर कृपा करना। तो इसी प्रकार वो साधु बार बार उस बुढ़िया के घर पे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो देगी, कभी तो उसका कल्याण होगा, कभी तो उसका माथा फिरेगा। साधु बार बार जाते। एक दिन बुढ़िया क्या कर रही थी, सुबेरे आंगन में गोबर का पोतते ना, लीप रही थी, लीपते लीपते साधु आया, बोला माता भिक्षाम देही। बुढ़िया बोली तेरी ऐसी की तैसी, अभी देती हूँ भिक्षा दोस्तों, रोज की रोज दिमाग खराब कर रखा है, एक बार में समझ में नहीं आता। उठा करके वो जो पोचा था वो फेंक करके मारा उसको, गोबर का, गोबर का, और जैसे ही गोबर का पोचा फेंक करके मारा और साधु के आखिर को लगा, और साधु जो है वो बड़े खुश हो गए, बोला बुढ़िया चलो कभी खुश नहीं देती थी, कम से कम ये तो दिया, क्या दे दिया, ये पोचा फेंक करके मार दिया। अब साधु उसको घर ले आए, बड़े प्रेम से उसको मलमल के धोया, उस पोचे को उसको सुखाया, फिर बोले कि बुढ़िया ने ये सेवा के लिए दिया, किसके लिए दिया, सेवा के लिए, बुढ़िया ने सेवा के लिए नहीं दिया था, लेकिन साधु ने किस लिए लिया, सेवा, सेवा के लिए। उसने उसको मलमल के धोया, धूप में सुखाया, फिर इसको कैसे सेवा में लगाए, उसने क्या करा, उसको उसकी सुंदर बत्ती नहीं होती घी की, वो बत्ती बना करके और दिया बना करके उसको घी में डुबो करके और दिया जला करके ठाकुर जी की आरती करी। वो अच्छे साधु थे, भगवान का भजन करने वाले, वो जो वस्तु थी किस में लगा रही, ठाकुर जी की सेवा में। जैसी सेवा में लगाया ना, उस बुढ़ी का हृदय परिवर्तन हो गया, क्या हो गया, हृदय परिवर्तन। इसलिए हम दान तो देते हैं, लेकिन अगर हम पात्र व्यक्ति को दान नहीं देंगे ना, तो उसका कभी भी हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा। इस कथा में यही शिक्षा है, वो जैसे ही उसके जो दिए से जैसे ही आरती करी, ठाकुर जी की सेवा में लग गया ना, वो बुढ़िया का हृदय परिवर्तन हो गया। बुढ़िया घर में बैठ करके सोच रही है, बेचारे साधु आए थे, क्या मांग रहे थे, थोड़ा सा आटा दाल चावल ही तो मांग रहे थे, दे देते तो क्या होता, मेरे पास कोई कमी है, मैंने जबरदस्ती उसको फेंक करके मारा, पोछा, कपड़ा खराब हो गया उनका, मेरे से गलती हो गई, अगली बार आएंगे तो क्या करूंगी, उनको घर में बुलाऊंगी, बिठा करके कुछ दूंगी, अच्छे से बिठा करके उनको जो मांगेंगे वो दूंगी। अगले दिन साधु आए तो आकर के बोले माता भिक्षाम देही, फिर हाथ जोड़कर क्षमा मांगती, अंदर बुला करके बिठाती, उनको भिक्षा देती। तो इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि दान तो हम देते हैं, लेकिन हम पात्र व्यक्ति को दान नहीं देने के कारण क्या होता है, हमारा हृदय में कभी भी परिवर्तन नहीं आ पाता। इसलिए बोला देश काल और पात्र का विचार करके ही कोई कार्य को किया जाता है। अगर पात्र व्यक्ति को नहीं दिया दान, उसने ले करके उल्टा पुल्टा काम में लगा दिया उस पैसे को, तो उससे जो पाप वो करेगा है, जो भोग वो करेगा, उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए साधु कौन, जो भी वस्तु से प्राप्त हो उसे ठाकुर जी की सेवा में लगा दे। अब ये मनुष्य जीवन का, ये तो होगी साधु की महिमा। भगवान कृष्ण ऐसे जो साधु हैं, जो निरंतर भगवान का भजन करते हैं, जो उनके पास आता है उनको भी और उनसे दी हुई वस्तु को भी जो ठाकुर जी की सेवा में लगा दे, वही सदगुरु है। वो क्या है, सदगुरु है। ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे जो वैष्णव हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहले मेरी पूजा मत करो, प्रथमंत गुरु पूज्य ततश्चैव मम अर्चनम कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्नोति हि अन्यथा निष्फलम् भवेत्। भगवान कृष्ण कह रहे जाओ पहले किसकी पूजा करो, ऐसे गुरु की पूजा करो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारी गुरु आपनी जो मिलाए। क्यों गुरु की इतनी महिमा क्यों है, गुरु बिना भव निधि तरे न कोई जो बिरंचि शंकर सम होई। या तुलसीदास जी ने भी जब रामायण शुरू करा ना, बालकांड में शुरू में किसकी महिमा गाई, गुरुदेव गुरु की, क्योंकि गुरु कृपा बिना कुछ भी नहीं हो सकता।
शोषयति रविर न पोषयति। बताया कि जो सूर्य है, ये जो कमल है, कमल का फूल देखा है, वो सूर्य की किरणों में खिल जाता है, लेकिन कब खिलता है? जब पानी में होता है। अगर पानी के बाहर कर दिया तो वो कमल क्या हो जाता है? सूख जाता है। ये पानी है गुरु, गुरु कृपा, और ये कमल कौन है? हम, हमारी भक्ति। और ये सूर्य कौन है? सूर्य कौन है? ये भगवान। अगर ठीक ठीक रूप में गुरु जी का आश्रय लेकर के भजन किया तब तो हमारी भक्ति, हम बढ़ेंगे, लेकिन अगर गुरु जी नहीं किए, गुरु का अनादर कर दिया या कुछ हो गया, तो हमारी भक्ति और हमारा भी सर्वनाश होगा। और गुरु बिना भवन जी तरह ना, कोई गुरु तो करना ही पड़ेगा। इससे चतुर कौन? चतुर कौन? जो अपने जीवन में गुरु जी को धारण करे। सुन लो चतुर सुजान, निगुरे मही नहीं रहना, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, निगुरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। और जब गुरु के पास में जाएंगे तो गुरु जी क्या देंगे? भगवान का नाम दे देंगे, गले में तुलसी कंठी देंगे, ये तिलक देंगे। यमराज स्वयं अपने दूतों को कहते हैं, हाँ, ललाटे तिलकम नास्ति कंटे नास्ति त्रिकंटिका। अगर बोल रहे यमदूतों को कि यमदूतो देखो ऐसे व्यक्ति को पकड़ के मेरे पास ले आना, बोलो कौन से व्यक्ति को पकड़ के ले आए? जिसके माथे पर तिलक ना हो, जिसके गले में कंठी ना हो, और जिसके हाथ में भगवान का नाम ना हो। उसको क्या करना? पकड़ पकड़ के मेरे पास ले आओ यमपुरी में। क्यों? क्योंकि ये जन्म किसके लिए मिला है? केवल और केवल भगवान के भजन के लिए। ये जन्म हमारे को और किसी कार्य के लिए बिल्कुल भी नहीं मिला है। अगर हम सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, नहीं मिला है। अगर किसी और कार्य के लिए मिलता तो वो कार्य करते करते तो हमें बने रहना चाहिए ना। जब मर जाते हैं तो क्या वो कार्य हमारे साथ में रहता है क्या? बताओ, जो इस दुनिया में हम करते हैं क्या हमारे साथ जाता है मरने के बाद? हमारे घर में तो बहुत लोग मर गए होंगे पहले, क्या ले गए वो घर से? कुछ भी लेकर के नहीं गए, बस वही चले गए। कोई उनके साथ में कुछ गया? कुछ भी नहीं गया। साथ में जाता है केवल और केवल भगवान का, जोर से बोलो, क्या जाता है? केवल और केवल भगवान का। शास्त्र अनेक है, पढ़ते पढ़ते हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतने शास्त्र है, इतने सुंदर सुंदर कथाएं हैं। इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं जीवन में करें क्या, जीवन में करना क्या है। तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं, अल्प तो अवध जीव ता में बहुत सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ पर का कीजिए। वेदन का है पारना, पुराणन का अंत नहीं, वाणी तो अनेक चित्त कहां कहां दीजिए। है, वाणी तो अनेक चित्त कहां कहां दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु है। फिर क्या बोले? रंग तो रसीले रस कहां कहां पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। बोल रहे वेदों का कोई पार नहीं, पुराणों का कोई अंत नहीं, रस इतने हैं कि पीते पीते थक जाओगे, कोई उसकी सीमा नहीं। और काव्य इतने, वाणी इतनी, कितनी जगह कथा हो रही है, इतनी वाणी, पीते सुनते सुनते कान टूट जाएंगे, लेकिन इसका अंत नहीं है। लेकिन करना क्या है? तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं, सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। फिर क्या बोलते? सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम जाई विधि रहिए। बोलते ना, लाभ हानि सही है, मेरे पूरे ढंग से याद। आसान है तो, आसान भजन है, किसी को याद। इसकी इसका इस पूरे के पूरे भजन का अर्थ क्या है? जीवन में हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम। इसीलिए मरने से पहले कौन कौन भगवान का नाम लेना चाहता है, हाथ खड़ा करो। है? नहीं नहीं, माता जी हाथ तो खड़ा किया ही नहीं। हाँ, दोनों हाथ। इसलिए अपने जीवन में भगवान का नाम को ले आना चाहिए। नाम है मिश्री की तरह, से पानी फीका है ना, इसे मिश्री घोल दिया, ऐसे हमारे जीवन में सब मीठा 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 ही हो जाएगा, मधुरम मधुरम। भगवान का सब कुछ मीठा है, भगवान का नाम भी मीठा है। इसलिए जब साधु किसी के घर में आते हैं तो उनसे इधर उधर की बात नहीं बोल करके क्या ले लेना चाहिए? भगवान का नाम लेना। इसमें जीवन की सार्थकता है, वरना तो जीवन जाएगा ही, वरना जाएगा ही। हंसते रहो या रोते रहो, वे जीवन, ये नाव चलती जाएगी चलती जाएगी।
ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जाया रोता जा, ये नाव तो चलती रहेगी, लेकिन इसमें अगर हम भगवान का नाम जोड़ेंगे, भगवान की कथा, सुबह उठ करके भगवान की भक्ति करना, मंदिर में जाना, तुलसी की परिक्रमा लगाना, सुंदर सुंदर भजन ठाकुर जी को सुनाना, भगवान का नाम करना, अगर ये सब किया तो जीवन में सात्विकता, भगवान की भक्ति, अंत तक हमारा जीवन सही और मरने के बाद में भी गति अच्छी होगी। वरना देखो दुनिया तो मरती चली जा रही है, सड़ती चली जा रही है, कोई उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग का फल क्या? भगवान का नाम। हरे कृष्णा वंशागर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। एक मिनट कीर्तन कर लो देखो, क्योंकि जितने सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है ठाकुर जी की नाम है। कृष्ण भारत। बोले अर्जुन, जो व्यक्ति पहले जन्म में 100 जन्म तक, एक जन्म नहीं, जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक ठाकुर जी की निष्ठा पूर्वक सेवा पूजा की है, तभी इसी जीवन में वही व्यक्ति मेरे नाम को ले सकता है। सब नहीं ले सकते हैं, सब नहीं ले सकते, भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं अगर जो प्रभु का नाम लेता है फिर क्या समझो, कहते उसका प्रभु का नाम लेने का साथ साथ उसको 3 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 3। क्या क्या हो जाएगा ध्यान देकर सुनो। कहते जम लोग में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। बोले चित्रगुप्त कौन है? चित्र मतलब होता है फटो, गुप्त मतलब छुपा करके है। अगर कोई सोचे 10 मंजिल के ऊपर में दर्जा बंद कर कुछ कर रहा हूँ, कौन देख रहा है? कहते चित्रगुप्त से कुछ छुपा नहीं सकते हो है। कहते जो सूरज का किरण सब जगह पर है, जो कुछ कर रहे हो अपने आप वहां रिकॉर्डिंग हो रही है, मरने के बाद सब काफी निकल, सब खुलेगा सबके सब। कहते कोई रात कोई कुछ कर रहा है, कहते कौन देख रहा है रात का अंधकार? रात है। कहते जो रात है वो साखी है, जो अंधकार है ना साखी है, इसलिए मरने के बाद सारे काफी निकलेगा। देखना एक व्यक्ति की 5 बच्चे है, पिता माता तो जन्म दे दिया बच्चे को, लेकिन कर्म किसका लेकर के आए? अपना कर्म। देखना एक बच्चा इतने पैसा कमाता है, कहाँ रखेगा सोच नहीं पाता, लेकिन एक बेटा रोटी उसको नहीं मिलता है।
पांच बच्चों का धर्म नेचर सबके सब अलग अलग है। देखो किसको साथ में किसका बनता नहीं, किसके साथ में किसके मिलते नहीं, नेचर अलग अलग। क्यों? कर्म तो अपना आप लेकर के आए, जन्म तो पिता माता दिया, लेकिन कर्म सबके सब अपने आप कर्म को लेकर के हम आए। इसलिए देखो, लेकिन भगवान का नाम की शक्ति देखो कितने है। जो प्रभु का नाम लेता है, जब महाराज चित्रगुप्त को बोलता है, बोले खापी ले आओ, बोले क्यों, बोले व्यक्ति का नाम काट दो, ये और नर्क नहीं आएगा, ये व्यक्ति और नर्क नहीं आएगा, क्यों, मेरे नाम को ही जप कर रहा है। बोले दूसरा काम क्या होता है, बोले ब्रह्म लोग से ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों, बोले जो व्यक्ति ठाकुर का नाम ले रहा है ना, इसलिए भूर भूग मोह जन तप सत्य लोग जो पार होते होते सत्य लोग जो पार करेगा, ब्रह्मा जी रहते हैं, कहते उसको मैं आरत उतारूंगा, क्योंकि प्रभु का नाम ले रहा है। बोले तीसरा काम क्या होता है, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहते, बोले रजिस्टर ले आ, बोले क्यों, बोले व्यक्ति का नाम ले चढ़ा दे, इसमें व्यक्ति का नाम चढ़ा दे, बोले क्यों, बोले भगवान का नाम ले रहा है ना, सीधा मेरे धाम में आएगा, सीधा ठाकुर जी की धाम में आ जाएगा। इसलिए इतने महिमा ठाकुर जी के नाम लेने का, इतने महिमा साधारण। इसलिए देखना लोग तो बैठी करके इधर उधर उल्टा पुल्टा, अगर बहू बेटी की बात होने लग जाए ना, जो माताएं बैठी करके घंटे घंटे बीत जाती, लेकिन थोड़ी सी बोलो भैया भगवान का नाम जप कर, बोले समय कहाँ है हमारे पास। लेकिन इधर उधर बात करने के लिए तो सारा दिन बैठी गई, देखता हूँ जब जाता हूँ रास्ता में ना, सो माताएं बैठी करके उसकी बहू कैसे हो गया, छोरी कैसे हो गया, इसका बेटा उसको उठा कर ले गया, सारा दुनिया की बात करते हैं। लेकिन बोलो थोड़ा भैया भगवान के थोड़ा नाम जप करो, बोले समय कहाँ है, क्योंकि पाप है ना। इसलिए भगवान स्वयं तुलसीदास जी कहते राम ना सकई नाम गुन गाई, भगवान भी अपना नाम की महिमा को गाते गाते थक जाते हैं, अपना नाम की ठाकुर की महिमा भी, ठाकुर भी अपना नाम की महिमा नहीं बता पाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते की सयने की भोजने की बा जागरणे अहर निशिंत कृष्ण बोलो वतन, भगवान कहते हैं सोते उठते जागते क्या करो, भगवान हाथों में काम और मुंह में ठाकुर का नाम। विशेष करके नियम है गुरु जी से माला लेकर के, नियम से भगवान का नाम चलते फिरते करनी चाहिए, तब भी स्थिर चित्त में बैठे करके माला के द्वारा कुछ नाम भगवान की करनी चाहिए। इसलिए इतने महिमा, इसलिए सबके सब हाथ में ताली बजाते हुए ठाकुर का नाम लो, इससे सारे पाप दूर होगा। बोले सर्व कहते सर्व पाप विमोचनम है, कहते स्वर्ग रोग उपशमनम शांति दम ख्यांति रेष्टम हरे नामान कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन करने से कहते जितने रोग व्याधि दुख कष्ट प्रभु का नाम से खत्म हो जाती है। कितना मंगल भवन अमंगल अमंगल हरि, भगवान का नाम ही जो हमारे, तभी एक एक श्वास की सार्थकता है जब हर श्वास में भगवान के नाम निकले हैं, हर श्वास में भगवान की नाम निकले। इसलिए महाप्रभु का जो भक्त हमारे संप्रदाय में ना, देखना कभी माला नहीं छोड़ते, कहीं भी चले जाएंगे अपना माला लग रहता है, क्योंकि समय तो वैसे ही बीत जा रही है, जो काल सबका आयु तो हरण कर रहा है काल, ये सूरज नहीं कटके काल है, ये पूर्व दिशा में उदय होकर के पश्चिम दिशा में अस्त हो गया, मतलब एक दिन हमारे नष्ट हो गया। एक जो जो श्वास छोड़ा है, जैसे मानो अभी अंबानी, अंबानी का नाम सुने होंगे, हमारी इंडिया का सबसे बड़ा पैसा वाला लोग, अगर डॉक्टर ने बोला इसका अंतिम श्वास है, मानो अंतिम सज्जा में लेटा हुआ डॉक्टर बोल जवाब दे दिया ये अंतिम श्वास, बोले चार कोहिनूर हीरे में तुमको दे रहा हूँ, अगर परिवार बोले इसका चार श्वास वापस ले आओ, चार कोहिनूर हीरा चार श्वास वापस ला सकता है क्या, नहीं ला सकता है। ये मानव शरीर की एक एक श्वास की इतने अनमोल है, इसलिए भगवान राम अयोध्या वासी को समझा रहे हैं, बोले बड़े भाग मानस पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ, भगवान खुद कहते हैं देवताओं को भी भारत में, अब विशेषकर हिंदू घर में, और ये लोग तिवारी ब्राह्मण घर में, देवता को भी भगवान कहते, देवता को भी ये सौभाग्य नहीं होता है, हैं? देवता बोले सुर दुर्लभ मानव शरीर, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, किसी लिए दुर्लभ है, क्योंकि इस जीवन में भगवान की हम भक्ति कर सकते हैं, और कोई प्रभु का राम का नाम कृष्ण का नाम इंसान के सिवाय कोई ले सकता है क्या, किसी जानवर गद्दे सुर को बोले राम राम कृष्ण कृष्ण बोले कोई बोल सकता है, सभी का मुक्ति का दरवाजा बंद है, सभी का मुक्ति की दरवाजा बंद है, केवल इंसान जीवन में मुक्ति की दरवाजा केवल खुला हुआ है, हैं? इसलिए कहते त्रुणम, त्रुणम मतलब क्या, जितने जल्दी से जल्दी हो, कल कर सो आज करो,
आज कर और आज कर सो कोई बोलते ना अभी से क्या करें हम क्या मर रहे हैं अभी से भजन करेंगे हम क्या मर कोई बोलता हम क्या मर रहे हैं भजन करेंगे बोले नहीं बोले निश्वास नए विश्वास हमने जो अभी श्वास छोड़ा है ना दूसरा श्वास भी ले पाए कोई बोल सकता है कोरोना में कितने लोग चले गए देख कोरोना में कितने लोग चले गए कोरोना में किसको पता था कोरोना में इतने लोग चले जाएंगे किसको पता था इसलिए कब ये मृत्यु आएगा ना बोल कर नहीं आएगा है आया चलो तो चलो बोले नहीं बेटी शादी नहीं बोले लो नहीं चलो टाइम हो गया चलो तो यहाँ से उतरो संग इसलिए क्या करो सब चीज भूल जाओ लेकिन प्रभु का नाम मत भूला करो हर समय माला को पास में रखो चलते उठते महाप्रभु कह रहे भगवान की है भगवान का नाम जप करते रहो क्योंकि यही धन अंतिम समय में यही धन ही साथ में जाएगा इसलिए ठीक है सब सब ताली मीठी मीठी ताली बजाते हुए ठाकुर का नाम लो हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। हाँ देखो आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन और हमारे श्री तिवारी जी, क्या नाम है उनका? मिथिलेश बाबा नाम, तो भगवान राम का नाम है। मिथिलेश तिवारी जी अपना घर में आज भक्तों को बुलाए, घर में कीर्तन हो रहा है, घर में सत्संग हो रहा है। देखो भागवत में बताया जिस घर में भक्त लोग आए, घर में सत्संग कीर्तन होना, कहते वो घर घर नहीं है, घर क्या है? कहते भगवान का धाम गोलोक वृंदावन बन गया। और घर का जितने पाप है ना, कितना मंगल भवन अमंगल हरी। घर का जितने पाप जब कीर्तन होता है, घर का सारे पाप अपने आप निकल जाते हैं। कोई भी घर का कोई जैसे कितना काल सर्प जो गए, घर की वास्तु की दोष, ये सारे दुनियादारी अगड़ों बगड़ों, लेकिन जब भगवान का कीर्तन हो जाए ना, कहते घर का सारे दुख कष्ट अमंगल घर से सब घर से निकल जाता है और घर भगवान की धाम बन जाता है। इसलिए आप लोग भी यहाँ पर जो नए लोग आए हो, जैसे घर में कोई बच्चे का सालग्रह हो, अपना शादी की सालग्रह, बच्चे का कोई बर्थडे, कभी भी अब भक्त लोगों को बुलाना घर में। भक्त लोग आएंगे, कीर्तन करेंगे, घर में सत्संग होगा तो घर का मंगल होगा, बच्चों का ऊपर में भी अच्छे संस्कार पड़ेंगे, बच्चे भी भगवान की भक्ति करेंगे। आज जिस घर में सबके परिवार भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं वो परिवार क्या है? कहते सबके सब भगवान की भक्त है, वो घर भगवान का वृंदावन धाम बन जाता है। इसलिए आज हम लोग का बड़ा अच्छा दिन है, जो कि प्रभु जी के घर में सब कीर्तन सत्संग हो रहे हैं। हाँ, और पांच मिनट की कथा सुन लो। देखो एक समय अब पांडव का नाम सुने हो, पंच पांडव नाम सुने है ना, बताओ तो पंच पांडव का नाम क्या क्या है? बोलो। हाँ माता जी, बहुत बड़े अच्छा नाम होता है, इसलिए ये पंच पांडव। जब इनकी पूरी शादी हो गई है ना, पांच, अब इनकी द्रौपदी तो है ही है, लेकिन सबका जी अर्जुन का उल्ली चित्रगंधा, अर्जुन की अलग पत्नी है और पांच भाइयों की भी अलग अलग पत्नी, उनका सबका बच्चे, पूरा हरा भरा उनकी परिवार। एक दिन के घर में श्री नारद जी आए। जब नारद जी आए, जब युधिष्ठिर महाराज बोले आज तो हमारा घर धन्य हो गया, क्यों? घर में संत आए, घर का संतों का चरण धूलि पड़ा है, हमारा घर तो पवित्र हो गया। तो नारद जी को सिंहासन पर बैठाए और उनका आरती उतारे, गले में फूलों की माला पहनाए, चरण धूलि लिए, पंच पांडव उनका चरणामृत पिया। पी करके श्री युधिष्ठिर महाराज नारद से प्रश्न करते, बोले आप कृपा करके ये बताओ, अब तो परिवार बहुत बड़ा परिवार हो गया है, बच्चे पूरा परिवार, अभी ये बताओ हम संसार में रहते हुए अभी भगवान हमें कैसे मिले? हम तो घर छोड़कर साधु संत बन ही नहीं सकते, हम तो बीवी बच्चे परिवार है, अभी हम घर में रहते हुए हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हमको मुक्ति कैसे मिलेगी? जब उन्होंने ये प्रश्न की, तब श्री नारद जी कहते हैं, देखो नारद जी क्या कहते, बोले गृहे उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन जथोचिता वासुदेव अर्पण साक्षात उपासित महामुनि। देखो अगर इतनी सी बात अगर अपना जीवन में उतार दिया ना, घर में बैठे बैठे कर उतार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। कहते क्या? बोले गृहे उपस्थित राजन, घर में रहो लेकिन क्रिया कुर्बन जथोचिता, मतलब क्या? पैसा कमाओ लेकिन सत मार्ग, चोरी डाकू उल्टा पुल्टा करके पैसा नहीं कमानी चाहिए, है? नहीं कमानी चाहिए। इसलिए घर में रहते हुए अपना जिस वर्ण और आश्रम में रहते हो उसी वर्ण और आश्रम में रहो, रह कर क्या करो, अपना अर्थ कमाओ, सद मार्ग में अर्थ कमाओ। अर्थ कमाओ क्या करो, जो कुछ करो वासुदेव अर्पण साक्षात, सब कुछ ठाकुर जी के लिए करो। अपना घर को क्या मानो, ये घर नहीं ठाकुर का घर है। किसने घर दिया है? भगवान ने दिया है, ये दरबार ठाकुर जी। अगर पत्नी हो तो उसको क्या समझो, ये भी भगवान की सेविका है। अगर बच्चे हो तो उनको क्या समझो, ठाकुर ने ही बच्चे दिया। बच्चे किसने दिया? ठाकुर ने दिया। घर किसने दिया? ठाकुर ने दिया। घर में अगर झाड़ू लगाओ तो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो। अगर घर में रसोई बनता है, इसलिए रसोई बना रहे हो? खुद खाने के लिए नहीं, ठाकुर जी की भोग लगने के लिए। हम ठाकुर जी की भोग लगेगा इसलिए हम क्या कर रहे हैं, घर में रसोई बना रहे हैं। अगर उसमें प्याज लहसुन डालोगे तो ठाकुर भोग नहीं लगेगा, इसलिए प्याज लहसुन घर में नहीं खानी चाहिए। जो प्याज है गया का मांस से बना हुआ, और भागवत में आता है राक्षस को जो भगवान चक्र में काट दिया, जहां पर ये मांस गिर पड़ा वहीं से प्याज की सृष्टि हुई, जहां पर हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन हुआ। इसलिए नवदुर्गा में नवरात्रि में इसको कोई नहीं खाते हैं,
ठाकुर को भोग भी नहीं लगता, इसलिए ये चीज को घर से वर्जित कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। घर में जो कुछ बने ठाकुर जी की भोग के लिए इसलिए बना रहे हैं, ठाकुर जी को प्रसाद भोग लग गया इसलिए हम खाना बना रहे हैं, और वो चीज ठाकुर के सामने धर दो, तुलसी पत्ता दे करके ठाकुर जी को भोग लग जाएगा, प्रसाद होगा। कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, अगर ठाकुर जी को भोग लगेगा तो प्रसाद खाओगे तो मन अपने आप पवित्र होगा, मन अपने आप भजन में लगेगा। अगर ठाकुर को भोग नहीं लगाओगे ना, इसलिए मनु संहिता कहता है स्वान विष्टा समचर्ण, कहते रोटी चावल नहीं खा रहे, कुत्ते का विष खा रहे, ये मनु संहिता कह रहा है। और गीता में कहते हैं भुंजन्ते तु अघम, वो दाल चावल नहीं पाप भोजन कर रहे हो, क्यों? जिसने बनाया दुनिया को, जिसने दिया, तुम उनको बिना खिला करके खुद खा रहे हो, इसलिए सब कुछ पाप भोजन कर रहे हो, इसलिए घर से प्याज लहसुन को त्याग दे देनी चाहिए है? इसलिए कहते हैं वासुदेव अर्पण सख्यात उपासित महामुनि, घर में जो कुछ करे ठाकुर जी के लिए करे। एक एक उदाहरण देकर समझाए, बोले एक समय कोई एक व्यक्ति था जिसको घी बहुत पसंद था, वो घी खूब पीता था, लेकिन अभी घी पी पी कर पेट अभी पतला हो गया, अभी घी उसको पेट में हजम नहीं हो रहा है, लेकिन घी छूटता भी नहीं। अभी डॉक्टर को बहस में गए, बोले डॉक्टर डी मेरे को घी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घी पी के पेट अब पतला हो रहा है, लेकिन घी हजम नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे कोई दवा दो, लेकिन घी छोड़ नहीं सकता हूँ। अब ऐसे बात बताओ जैसे घी भी खाना हो जाए लेकिन पेट में हजम हो जाए। डॉक्टर ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं तुमको एक पुड़िया देता हूँ, पहले जैसे घी डायरेक्ट पी लेता था अभी ऐसे मत पिया करो, अभी घी में ये पुड़िया को मिला देना। वो आयुर्वेदिक मेडिसिन था जिसमें खट्टा मीठा नमकीन सब चीज था, बोले उसको पीना नहीं, उसको चाट चाट कर खाना है। जब उसमें खट्टा मीठा नमक मिला दिया ना, वो चाट मसाला हो गया, पहले तो डायरेक्ट पीता था इसीलिए हजम नहीं होता था, अब जो चाट चाट कर खाता है मुंह से लाल निकलता है, लाल निकलने पर जो पेट में अपच का काम करता था अभी पचन का काम कर दिया, उल्टा काम शुरू कर दिया, उसका हेल्थ एकदम चकाचक हो गया, बढ़िया हो गया। देखो ये चीज को उदाहरण देते हैं, इसका मतलब एक ही किया, बोले कर्म। कहते हम संसार में क्यों भटक रहे हैं, संसार में क्यों भटक रहे हैं, एक जन्म से दूसरे दूसरे 84 लाख जन्म क्यों भटक रहे हैं, कारण है ये कर्म की वजह से। इस जीवन में हम जो कर्म करते हैं पर इसको भोगने के लिए हमें दूसरे जीवन में जाना पड़ेगा, दूसरे जीवन में जो कर्म करते हैं भोगने के लिए फिर हम तीसरे जीवन में जाना पड़ेगा हमको, ऐसे ही 84 लाख जीवन में कर्म चक्र में भटक रहे। कहते यही घी, अभी घी पी पी कर क्या हो गया, अपच हो गया, अपच हो गया मतलब क्या, संसार में आओ, लेकिन संसार में आओगे तो क्या, कोई संसार में दुखो कष्ट भोग करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि दैवी के आदि भौतिक संसार में आओगे तो सारे दुख भोग कर, सारे दुख भोग कष्ट भोगना पड़ेगा, ऐसे ही हम चक्र काट रहे। लेकिन जब उनने वैद्य को पास में गया, डॉक्टर को पास में, डॉक्टर कौन, बोले सदगुरु, बोले गुरु जी हम तो संसार में बड़े दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई हाँ दुखी व्यक्ति को पूछो ऊपर से, बोले हाँ ठीक ठाक, लेकिन अंदर की बात पूछो आग आग जल रहा है, सबके अंदर में आग जल रहा है। बोले गुरु जी हम तो संसार बड़े दुखी है, हैं अभी क्या करो, अभी ऐसे काम करो जैसे ये दुख कष्ट दूर हो जाए। बोले गुरु जी ने कहा देखो कोई तो कर्म छोड़ नहीं सकता है, कर्म छोड़ सकते हो, खाना पीना सोना करना छोड़ सकते हो, छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ नहीं। गुरु जी ने कहा एक तुमको एक पुड़िया देता हूँ, है एक पुड़िया को उसमें मिला दो, मिला दोगे ना जो दुख का कारण बन रहा है ना, वो दुख नहीं होगा, वो सुख का कारण बन जाएगा। कहते तो कौन सा पुड़िया, बोले प्रेम की भक्ति का पुड़िया है, ये भक्ति का पुड़िया है, भक्ति का पुड़िया मतलब है खूब पैसा कमा, पैसा के बगैर कुछ होगा ही नहीं, एक प्यार आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन पैसा कौन है ये चीज को समझो, पैसा कौन है, लक्ष्मी, लक्ष्मी के बगैर कुछ होगा नहीं, लेकिन लक्ष्मी किस लिए कमा रहे हो, बोले नारायण की सेवा के लिए, किस सेवा के लिए, अपना सेवा के लिए नहीं, यही गड़बड़ी हो रहा है, पैसा कमाओ हम बीबी बच्चों को पालेंगे खुद खाएंगे भोग करेंगे, लक्ष्मी को थोड़ी भोग कर रहे, इसलिए तब तो दुख आ रहे हैं, दुख का कारण क्या, लक्ष्मी आए, इसलिए लक्ष्मी का दो वाहन बताया, एक उल्लू एक गरुड़, लेकिन जब अकेली लक्ष्मी को बुलाते माँ लक्ष्मी आओ, बोले क्यों तुमको भोग करेंगे, लक्ष्मी बोले मेरे को भोग करोगे तू, मैं नारायण क्यों थोड़ी तुम्हारी हूँ, इसलिए उल्लू को ऊपर बैठ गए, फिर उल्लू के पट्टे हमें बनाते में उल्लू पर मूर्ख बनाना, फिर जगत में इतने दुख कष्ट ले जाती, लेकिन माँ लक्ष्मी आओ, बोले क्यों, बोले आप नारायण क्यों,
ठाकुर का सेवा के लिए आप, आपकी बगैर ठाकुर का सेवा नहीं होगा। फिर वो उल्लू के ऊपर नहीं, फिर गरुड़ ऊपर बैठ करके आएगी। गरुड़ कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। फिर हमारे घर को भगवान की वैकुंठ बना देगी। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, लेकिन क्यों बुला रहे हो ये चीज को देखो, ये चीज को पहले देखो। ठाकुर को भोग नहीं लगाएंगे तो लक्ष्मी को भोग के लिए बुला रहे हो? फिर तो वो उल्लू के ऊपर बैठ कर आई, दुख कष्ट लेकर आई। ये चीज को ध्यान दो अच्छे तरह से। इसलिए हम लक्ष्मी को बुला रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। लक्ष्मी ठाकुर के है, तुम्हारी सेवा के लिए बुला रहे हैं। बढ़िया घर बनाओ। बोले क्यों? बोले घर नहीं, ये भगवान का दरबार है जिसमें संत लोग आएंगे, जहां पर हरि कीर्तन होगा, हरि कथा है, जहां पर भगवान की सेवा होगी। सुंदर ठाकुर को मंदिर बनाएंगे जिसमें ठाकुर का दरबार बनाएंगे। है घर में बनाओ, सुंदर घर में बनाओ। इसलिए बच्चों को पालो। बोले क्यों? बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के भजन करेंगे। हैं, घर को बढ़िया साफ सुथरा रखो। बोले क्यों? ठाकुर अगर कभी चलेंगे तो ठाकुर को प्यार में कहीं धूल नहीं लग जाए। इसलिए घर को क्या करो? साफ करो घर को, साफ इसलिए कर, क्यों? ठाकुर जी का घर है, ठीक है ना। इसलिए अपना शरीर को भी खुद सजाओ। हैं, क्यों? बोले बढ़िया कपड़ा पहन कर तब तो ठाकुर की सेवा करेंगे ना। इसलिए कहते उसमें क्या कर दो, उसमें पुड़िया मिला दो। वो पुड़िया कौन सा पुड़िया? भक्ति की पुड़िया। अगर उसमें भक्ति की पुड़िया बना दिया ना, देखने के लिए तो तुम्हारी घर लगेगा। हाँ, इसलिए हमारे प्रभुपाद कहते हैं एक भक्त का जीवन, एक साधारण व्यक्ति का जीवन ऊपर से क्या लगता है? बराबर है। लेकिन अगर अंदर से देखोगे ना, आकाश जमीन फर्क है, आकाश जमीन फर्क है। लेकिन ऊपर देखोगे भक्त भी खा रहे, पी रहे, घर साफ कर रहे, लेकिन वो क्यों कर रहे? सब कुछ ठाकुर जी को उद्देश्य करके। उसका फल क्या? सीता गोलोक वृंदावन। लेकिन दूसरे व्यक्ति देखोगे भी खा रहे, पी रहे, बोले क्यों? अपना लिए कर रहा है। वो सीधा नरक जाएगा, उसका फल नरक है। देखने के लिए लगता है क्या है? एक समान। लेकिन अंदर से देखोगे ना, एक समान नहीं। एक का फल तो सीधा कृष्ण गीता में कहते यज्ञ अर्थात कर्मन अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन। मेरे को छोड़कर जो कर्म कर रहे हैं केवल संसार का बंधन को मोल रहे हैं, लेकिन जो मुझे निमित्त करके कर रहे हैं मुक्त संग समाचार है, वो सीधा मेरे पास में आएगा। इसलिए क्या करो? जो कुछ करो करो, लेकिन क्या करो? उसमें पुड़िया मिलाओ। किस चीज की? भक्ति की। अभी प्रश्न है ये होगा कैसे? अभी तो हमने सुन लिया, लेकिन इधर सुनकर ना इधर सीधा निकले जाएंगे, अंदर में टिकेगी नहीं। बोले क्यों? टिकेगा कब? कितना बिनो सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ ना होई। इसलिए जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे ना, भक्तों का संग नहीं करेंगे, हमारे हृदय में भावना कौन डालेगा? हृदय में भावना कौन देगा? जैसे देखो ये परिवार, देखो ये परिवार, हमारे तिवारी परिवार, गले में कंठी है, तिलक है उनका, पत्नी के गले में कंठी तिलक, ठाकुर के लिए भोग बनाते हैं, ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं। यहाँ पर जितने हमारे भक्त लोग देखो, तिलक कंठी माला सब करते हैं। क्यों? कारण क्या? भक्तों से, संत से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब तक हम संत से नहीं जुड़ेंगे ना, फिर ये सब कोई काम करेगा, हरि कथा भी कोई काम में नहीं आएगा तुम्हारे। यहाँ से जाते हैं ना पल्लू झाड़ करके, यहाँ से जाएंगे हे बाबा लोग का काम था बोल दिया, हम तो अपना आपका काम करेंगे बाबा लोग। इसलिए कहते बिनो सत्संग विवेक ना हो। इसलिए हनुमान जी को साथ में जब विभीषण का साक्षात्कार हुआ, विभीषण ये बात कह रहे, बोले आज मैं भाव भरोसा हनुमंता, बिनो हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता, जो रघुवीर मोहे अनुग्रह किनी, तो मई दरस ऐठे दिनी। विभीषण कहता तुम्हारे भाग्य जग किया। बोले क्यों? मैं कभी सोचा ही नहीं, जहां पर राक्षस राक्षस है उसको बीच में कहीं हनुमान जैसे भक्त, राम की भक्त दर्शन मिलेगा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता है। लगता है प्रभु राम की कोई कृपा हुई है मेरे ऊपर में, लगता है हमारी संसार का बंधन जल्दी जल्दी खत्म होने वाला। इसलिए क्या करो? भक्तों के साथ में जुड़ो, छोड़ना नहीं कोई चीज को। क्या करो? हर चीज को भक्ति में जोड़ दो, जोड़ दो, बस हर काम हो गया। इतना इतनी इतनी चीज समझना। भक्ति, आप बोलोगे भक्ति तो बड़ा कठिन है, देखो मेरे तरफ में देखो भक्ति क्या है। एक संत समझाते हैं, जैसे ये फूल यहाँ रखा हुआ है, इसको यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया, यही भक्ति और कुछ नहीं। मतलब क्या? जो कर रहे हैं वही करना, खाओ पैसा कमाओ सब कुछ करो, लेकिन क्या करो? जो अभी अपना लिए कर रहे हैं, अपना को छोड़ करके क्या करो? इसलिए देखना बकरी मैं करता है, इसलिए मरता है। बकरी मैं करता है ना, इसलिए मरता है। इसलिए मैं मेरा छोड़ कर क्या करो? मैं ठाकुर का हूँ और सब कुछ ठाकुर का है, मैं ठाकुर जी का और सब कुछ ठाकुर जी का, बस इतना कर दो भक्ति हो जाएगा। लेकिन जब तक संतों की कृपा नहीं होगा ना, तब तक ही काम आऊ कभी। ये नारद जी किसको कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को, परिवार को समझा रहे हैं, सब कुछ ठाकुर जी के लिए, सब कुछ ठाकुर जी के लिए करो, फिर तुम्हारी घर नहीं, घर तुम्हारे भगवान की
धाम बन जाएगा। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ, जो अब जो नई नई कुछ माता आई हो, देखो ये लोग मंदिर में आते हैं, आप लोग भी मंदिर में आया करो। ठीक है, मंदिर में आओ, वहां पर हम बच्चों के लिए ना अच्छे से सेमिनार देते हैं। अभी कहीं भी जाओ ना, सब दुनिया का तो बच्चा बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते, सब दुनिया कहते, लेकिन ये बच्चे धीरे धीरे कैसे संस्कार बने, कैसे पढ़ाई भी इनका अच्छा हो, कैसे बच्चे बढ़िया बने, उल्टा पुलटा रास्ता में नहीं जाए। इसलिए हमारे जो प्रभु जी इसका आगे जो कथा सुनाया, ये बच्चों के लिए सेमिनार देते हैं, प्रोजेक्ट सेमिनार देते हैं। अभी सात और आठ दो दिन अगले महीना के 7 और 8 ये 2 दिन बच्चों के लिए प्रसाद भी मिलेगा, सब अपना बच्चों को लेकर खाना। जो थोड़ी सी बड़े हैं, एकदम छोटे नहीं, कम से कम 8-10 क्लास जो लोग थोड़ी सी ऊंचाई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग डॉक्टर कर रहे हैं, वो सब बच्चों को लेकर के आओ। ठीक है ना, आप लोग 6-7 पास में आप लोग मंदिर है, आप लोग आना, सब इनको सब बच्चों को सबको ले, तुम भी लेकर सब अड़ोस पड़ोसी को सब लेकर के आना मंदिर। ठीक है, आप लोग भी आओ, आप लोग भी आओ। हाँ, समय है, समय 11 से लेकर के 1 बजे तक ये सेमिनार होगा, क्लास होगा बच्चों के लिए। ठीक है, आप लोग आओ मंदिर में, भक्ति में जोड़ भजन करो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, सब पीछे पीछे कीर्तन कर दो। हाँ, ये हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, कृष्ण है हमारा,
जय।